मृत्युंजय कुमार पूछते हैं हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई बाय स्टडिंग रेगुलरली एंड या लाइक यू विल हैव टू स्टडी अलॉट. सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर जेईई एडवांस क्रैक करना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट 10 घंटे डेली इजीली. मृत्युंजय ने पूछा था हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई. उसके लिए एक और बात बोलना चाहूंगा, एक ना जो लाइक ये चीज मेरे को ना तभी पता चल गई थी जब मैं इंस्टीट्यूट में था कि कुछ स्टूडेंट्स भाई मैथ लाइक बाय बर्थ ही इतने ज्यादा कुछ नेक्स्ट लेवल के इंटेलिजेंट होते हैं, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, हम उस टाइप से सोच ही नहीं पाते हैं. ठीक है, तो उस टाइप की अपनी थिंकिंग डेवलप करना, क्योंकि आईआईटी जेईई में वही आपके नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स को इतना ट्विस्ट करके और एक ही क्वेश्चन में कम से कम तीन तीन चार चार कॉन्सेप्ट्स में लाए होते हैं अलग अलग, तो वो ट्रिकी इतना ज्यादा हो जाता है वो क्वेश्चन कि उस लेवल पे मैं तो एटलीस्ट नहीं सोच पाता था, वरना मेरी 9000 से बेटर रैंक आती, मेरी 9000 रैंक थी जेईई एडवांस में. मेंस में अच्छी थी मेरी 1200 कुछ थी, अगर मैं उस लेवल का सोच पाता होता ना उन स्टूडेंट्स की तरह जो टॉपर्स होते हैं आईआईटी के, तो शायद मैं भी एडवांस में और बेटर रैंक लेके आ पाता. लेकिन बस यही है कि जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उस लेवल की एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है ना उन लोगों की, वो कैसे उस चीज को एनालाइज वगैरह कर लेते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते. तो वैसी थिंकिंग या तो आई थिंक लोगों को बाय बर्थ ही होती है, या वो इतनी मेहनत कर लेते हैं पढ़ाई कर लेते हैं कि वो डेवलप हो जाते हैं वैसे, कि क्वेश्चंस को उस वाले टाइप से देख पाए. मैं तो भाई एक क्वेश्चन आता है मैं सोचता हूँ ये इस चीज का क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और ये क्लियर हो जाएगा. जेईई एडवांस में ये नहीं होता, आईआईटी का जो पेपर होता है वो भाई क्या है ये खोल दो उसमें बहुत लाइक चार चार पांच पांच कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल रखे होते हैं. सबसे ज्यादा जेईई में ना मैं अभी देखा है केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, सबसे इजी केमिस्ट्री है फॉर श्योर, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आती है और वो डायरेक्टली होता है जो तुमने पढ़ा है स्कूल में. 120 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री, अगर उसमें से 80 भी आ गए ना बस बाकी के मैथ्स और फिजिक्स से तुमको 30-40 भी ले गए तुम मेंस क्लियर कर. देख मैं तेरे को सीधी बात बोलूंगा, फिजिक्स मेरा फेवरेट था लेकिन इसकी एडवांस की फिजिक्स बहुत हार्ड होती है बहुत, क्योंकि जो ये मैं चीज बोल रहा हूँ ना एक ही क्वेश्चन में तीन तीन कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं चार चार, वो इसी में ही होता है फिजिक्स में. तो जैसा इसने बोला ना पल्लव ने, जो केमिस्ट्री है एडवांस की वो सबसे लाइक हाई स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें वो कुछ ज़्यादा चेंज वगैरह कर नहीं पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो तुमने पढ़ रखे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो इफ़ यू कैन स्कोर लाइक वेरी हाई इन केमिस्ट्री एंड तुम्हारा पसंद का सब्जेक्ट मैथ्स या फिर फिजिक्स में, तो आई थिंक आराम से यार एडवांस निकल जाएगा. बाकी एक वो एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी यार, जिस टाइप से लोग उसको एक क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं जिस टाइप से मैं नहीं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया कभी भी. अगर मैं कर पाता होता तो मैं शायद मैं भी टॉप 1000 रैंक निकाल लेता, बट आई वॉज गुड एट मेमोराइजिंग, याद करने में अच्छा था मैं. हैप्पी फ्रेंडशिप.